व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। लॉजिटेक Z625 2.1 चैनल का हम रिव्यू करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम जानेंगे कि लॉजिटेक Z625 ही क्यों। होपफुली आप ज़्यादा नहीं सुने होंगे लॉजिटेक Z625 हो, मॉडल नंबर ही छोड़ दीजिए। लॉजिटेक ब्रांड है, वो अच्छे स्पीकर्स भी बनाता है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। जब भी हम स्पीकर्स के रिलेटेड बात करते हैं तो एक तो आता है सोनी का और एक तो आता है सैमसंग या फिर LG या फिर हम देखते हैं FND का, अगर थोड़ा बजट ऑप्शन पर है तो यही सारे मन में आ जाते हैं। या फिर ब्लाउपंक्ट जो है, जो फॉरेन इंटरनेशनल ब्रांड का है, वो वाला हमको देखने को मिलता है। या फिर JBL का लेंगे, या फिर आप देख रहे हैं तो प्रॉबेबली फ्लिपकार्ट का जो MarQ ब्रांड है वो भी एक बजट ऑप्शन में बढ़िया है, तो वो वाला आप देख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग मन में आता है, लेकिन लॉजिटेक का यहाँ पर बिल्कुल भी जो है दिमाग में नहीं आता है। देखिए, लॉजिटेक ब्रांड बहुत ही बढ़िया जो भी प्रोडक्ट्स है इनका वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका माउस हो, इनका कीबोर्ड हो, या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि अभी मुझे लॉजिटेक ने पे किया है इनके रिलेटेड बोलने के लिए अच्छा वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ लॉजिटेक प्रोडक्ट्स का। मे बी अराउंड 15 ईयर्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉजिटेक प्रोडक्ट्स का, तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हालांकि इनका बिल्ड क्वालिटी जो है कई प्रोडक्ट्स में इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन रिलायबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया रहता है यूजुअली लॉजिटेक का। तो इसके वजह से मैं भी एक ऐसे मार्केट में देख रहा था कौन सा अच्छा स्पीकर्स है लेने के लिए, तो आई वेंट विद द लॉजिटेक Z625 2.1 चैनल स्पीकर। देखिए, ऐसे दिमाग में आ जाता है कि 2.1 चैनल का क्यों यार, इतना स्पेंड कर रहे हो अराउंड 10,000 रुपीज़, तो 2.1 चैनल का क्यों, 5.1 चैनल ले सकते हैं, 5-5 स्पीकर रहता है, बहुत ही अच्छा साउंड देता है। ऐसा नहीं, ऑलरेडी मैंने बाइंग स्पीकर बाइंग गाइड किया हूँ वीडियो, एक आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आई का बटन अगर आप टैप करेंगे तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक क्लिक करेंगे तो स्पीकर्स बाइंग गाइड मैं वीडियो बनाया हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए एक स्पीकर लेने से पहले, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो लॉजिटेक Z625 रिव्यू, देखिए इस रिव्यू में सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी। तो Z625 का बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि मैंने कहा कुछ प्रोडक्ट्स लॉजिटेक का बिल्ड क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जो फिनिशिंग रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। एंड द सेम गोस विथ लॉजिटेक Z625। जो फ्रेम है प्लास्टिक का है, लेकिन जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत बढ़िया है। इसका जो सब वूफर है वो है वुडन बॉक्स, अच्छा क्वालिटी का है, नॉट दैट इट्स ब्रेकेबल हो या फिर बहुत ही हॉलो साउंडिंग साउंड करता है अंदर से, ऐसा कुछ नहीं। तो फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत ही अच्छा है लॉजिटेक का। तो इसके वजह से देखिए, ये सब वूफर इतना बड़ा है कि द सब वूफर अलोन प्रोड्यूसेस 135 वैट्स। तो टोटल स्पीकर का आउटपुट है 200 वैट्स ऑफ RMS, तो इसमें 135 वैट्स आपको सिर्फ सबवूफर मिलता है। तो सोचिए कि कितना थंपिंग बेस एंड जो मूवी देखते वक्त जो बढ़िया एक साउंड एक्सपीरियंस आना चाहिए, जो भी फाइटिंग सीन्स का हो, यानी कि लो एंड टू मिड फ्रीक्वेंसीज जो रहता है वो बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है इस 135 वैट्स से। एंड जो लेफ्ट एंड राइट स्पीकर्स है ईच 35 वैट्स का है, तो इसके वजह से अराउंड 70 वैट्स वहाँ पर मिलता है। एंड इसका एक खासियत यह है कि 200 वैट्स ऑफ RMS जो बोलते हैं, अगर आप प्री एम्प इनबिल्ट एम्प हो या फिर कुछ फ्रीक्वेंसीज का अगर आप सुन रहे हैं, तो इट कैन प्रोड्यूस अप टू 400 वैट्स ऑफ RMS पावर, यानी कि 400 वैट्स तक ये स्पीकर आउटपुट दे सकता है। तो इसके वजह से बहुत ही लाउड है, वॉल्यूम के रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही लाउड साउंड करता है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इसका। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि THX सर्टिफाइड, यानी कि जो भी आप THX सर्टिफाइड मूवीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो मार्वल्स का मूवीज़ है, इन्फिनिटी मार्वल, सेवेंजर्स इन्फिनिटी, ऐसे सारे मूवीज़ जो है, वो इतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस लॉजिटेक स्पीकर से। आप वो सुनने से ही आपको पता चलेगा कि मूवी एक्सपीरियंस कैसा आता है 2.1 चैनल से भी। तो ऐसे में इवन फॉर म्यूजिक पर्पस क्या होता है कि कई सारे स्पीकर्स, इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग। कुछ स्पीकर्स म्यूजिक अच्छा आता है, लेकिन मूवीज़ का जो वोकल्स रहता है वो सारा चीज़ अच्छा नहीं आता है। कुछ स्पीकर्स मूवीज़ का अच्छा रहता है, अगर आप म्यूज़िक प्ले करेंगे तो उसका सबवूफर का आउटपुट हो या फिर जो लो टू मिड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं वो इतना अच्छा कवर नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग टाइप का वैरायटी का बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर देख रहे हैं तो आई थिंक लॉजिटेक Z625 फिट्स द बिल परफेक्टली। तो अंडर 15,000 रुपीज़ आप एक स्पीकर देख रहे हैं जो बढ़िया साउंड
साउंड एक्सपीरियंस देना चाहिए एंड इट इज़ प्रॉबेबली द ओनली स्पीकर टू हैव THX सर्टिफाइड. THX सर्टिफिकेशन इतना ईजी से नहीं मिलता है क्योंकि उनको जो है स्ट्रिंजेंट क्वालिटी मेजर्स चेक किए रहते हैं, यानी कि अगर एक मूवी प्ले हो रहा है तो मूवी में कैसे साउंड डिज़ाइन इंजीनियर्स बनाए रहते हैं, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स का साउंड जो रहता है वैसा ही साउंड अगर एक्सपीरियंस आप सुनना चाहते हैं तो THX सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए. तो ऐसे में Logitech लेकर आया है THX सर्टिफाइड स्पीकर एट अफोर्डेबल प्राइस, मैं कहूँगा. इनका एक Z623 मॉडल है, वो आउटडेटेड मॉडल है, वो मत लीजिए. Z625 है, वो कम में भी मिल रहा है, वो वाला ले सकते हैं. इसका प्राइसिंग जो है एक्चुअली 16,000 रुपीज़ है, लेकिन अमेज़न पर ऑफ़र में आपको अराउंड 7,500 टू 8,000 पर मिलता है कई बार, तो ऐसे में आप पे करके लीजिए. बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा, एंड वैल्यू फॉर मनी नहीं, इससे भी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, यानी कि जितना आप पे किए हैं उससे ज़्यादा क्वालिटी आपको मिलेगा साउंड आउटपुट इस Logitech Z625 से. तो देखिए, यूजुअली हम इतना अगर 10,000 रुपीज़ तक स्पेंड कर रहे हैं तो 5.1 चैनल का देखते हैं ना, सोचते हैं कि 5.1 चैनल का स्पीकर लेते हैं होम थिएटर का, होम एक्सपीरियंस का. ऐसे आप मत सोचिए. देखिए, 5.1 चैनल अगर ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि प्लेसमेंट, स्पीकर प्लेसमेंट कहाँ पर करते हैं. यूजुअली 5.1 में जो लेफ्ट एंड राइट का रहता है वो वाला तो टीवी के आजू बाजू रखते हैं, एंड सेंटर स्पीकर जो है टीवी के नीचे, एंड दो अलग स्पीकर रहते हैं सैटेलाइट स्पीकर जो सराउंड साउंड को कवर करता है, वो वाला एक्चुअली आपको पीछे रखना है या फिर साइड में रखना है. तो अगर ऐसे आप कंफर्टेबली प्लेस करने के लिए जगह है अपने घर में तब जाकर 5.1 चैनल का लीजिए, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि 2.1 चैनल इज़ द बेस्ट वे टू पे फॉर एनी स्पीकर्स. तो इसके वजह से इवन मैं भी, देखिए 5.1 चैनल यहाँ पर ऑफिस में प्लेसमेंट करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं, तो इसके वजह से 2.1 चैनल सफिशियंट है, बहुत ही लाउड आउटपुट है, बहुत ही क्वालिटी साउंड आता है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए. एंड मोर ओवर THX सर्टिफाइड भी मिल रहा है, इसमें Dolby डिजिटल तो नहीं, इंस्टेड ऑफ Dolby डिजिटल आपको मिलता है THX सर्टिफाइड. तो Dolby डिजिटल भी देखिए, इसमें भी क्या होता है, Dolby डिजिटल में दो है, एक तो प्रोलॉजिक में आता है, एक Dolby डिजिटल का जो फर्स्ट वर्जन है वो है. अगर Dolby डिजिटल सुनते हैं तो इसके सपोर्टेड ही आपको देखना है, तब जाकर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एंड दैट टू अगर आप क्वालिटी का स्पीकर लेंगे तो. ऐसे ही लिखे रहते हैं Dolby डिजिटल, तो एक्चुअल में आउटपुट ऐसा नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो आप ऐसा वेस्ट हो जाएगा ना. तो इसके वजह से आप सोच कर जो भी अपने फेवरेट म्यूज़िक हो या फिर मूवीज़ हो वो बार बार आप सुने रहते हैं हेडफोन पर, पता रहता है कि कैसा म्यूज़िक आता है, कौन सा साउंड कैसे आता है, तो ऐसे वाला आप शोरूम में प्ले करके तभी जाकर आप स्पेंड कीजिए अपना मनी. तो Logitech Z625, इसमें फीचर्स ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ब्लूटूथ भी नहीं है एक्चुअली. अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हैं तो इसका सेपरेट से अडाप्टर आता है, वो भी आपको परचेस करना है सेपरेटली, तो वो परचेस करेंगे तो ऑफकोर्स ये ब्लूटूथ डिवाइस बन जाता है, तो ब्लूटूथ से प्ले कर सकते हैं. अदरवाइज़ क्या है, 3.5 mm का ऑक्सिलरी केबल जो कहते हैं वो वाला है, वो अपने मोबाइल को प्लग करेंगे तो इंस्टेंटली आप प्ले भी कर सकते हैं इसी स्पीकर्स. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पिंस है वैसा कुछ भी नहीं इसमें, एंड मोर ओवर आपको ऑप्टिकल इनपुट मिलता है, यानी कि एक्चुअल में क्वालिटी आता है स्पीकर्स का तो ऑप्टिकल इनपुट में आता है, तो वो वाला भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो इन सारे चीज़ों को देखकर एक्चुअली मैंने Logitech का Z625 पर पे किया हूँ. आई थिंक इट्स वेरी वर्थ द मनी दैट आई पेड, तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई बॉट दिस प्रोडक्ट. अगर आप भी एक स्पीकर देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अगर प्लेस करने के लिए जगह ठीक नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि 2.1 चैनल का लीजिए. आप इवन साउंड बार भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं लेना है, लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछेंगे तो आई वुड रिकमेंड दैट यू बाय द Logitech Z625 2.1 चैनल विच प्रोड्यूसेस 400 वाट्स ऑफ पीक पावर RMS. तो होपफुली इस रिव्यू से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि कौन सा स्पीकर लेना चाहिए इफ यू आर स्पेंडिंग अराउंड 15,000 रुपीज़. तो अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. अगर मैं कुछ पॉइंट्स मिस किया हूँ तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर आंसर करूँगा. तो मेरा रिकमेंडेशंस, मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाया हूँ जैसे कि मैंने कहा, वो स्पीकर बाइंग गाइड वहाँ पर आप देख सकते हैं. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. Welcome back to another video.